हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये स्वेटर, इसको मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है और ये आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई पैटर्न डालती हूँ तो आप लोगों को पसंद आता है। तो ये देखिए, ये बहुत ही इजी वे में मैंने इसको बताया है। ग्राफ मैंने बिन के नहीं दिया है, कई लोगों का था कि ग्राफ स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊं, तो ग्राफ मैंने दे दिया है, मैंने बिन के नहीं बताया है, क्योंकि कई लोग बना लेती हैं आराम से और बहुत इजी है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैटर्न बता दिया है, इसके ऊपर बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। ये दोनों बटन मैंने इस तरह से दो दो बटन लगाए, दोनों शोल्डर ओपन है, तो ये चीज आपको जरूर पसंद आएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने टोटल इसका बताया है और सेकेंड पार्ट में अब मैं ये पजामा बताऊंगी। तो ये पजामा भी बनाना बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल वे में मैंने इसको बताया है। कोई भी बिगनर्स आराम से बना लेगा, जिसको बिनाई नहीं भी आती है वो बना लेगा, जिन्होंने अभी तक पजामा नहीं बनाया है। मैंने एक आइडिया दिया है इसका, अगर आप बनाती होंगी तो आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी इनोवेटिव कर सकती हैं, कोई भी इसमें पैटर्न अलग कर सकती हैं। मैंने स्वेटर अगर लाइनिंग रखा है तो पजामा बिल्कुल प्लेन रखा है, बस ये देखिए बॉर्डर नीचे और ऊपर मैंने ब्लू करके, क्योंकि ये व्हाइट है तो मैंने थोड़ा सा डार्क करने के लिए इसको टोटल ये येलो कलर से बना दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरा बेबी सूट जो है मेरा, स्वेटर और पजामा, आप इसके ऊपर टोपी बना सकती हैं। मैंने अभी तक तो नहीं बनाया है, आप लोगों का डिमांड आया है टोपी का तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन नहीं भी अगर आप बना पाती हैं तो रेडीमेड प्लेन कोई भी स्वेटर आप इसके साथ मैच करके कैप ले लेंगी तो इस पे अच्छा लगेगा। या अगर आपको बनाने आता है तो आप व्हाइट कलर या ब्लू कलर या जैसे ये स्ट्रिप है ऐसे ये डाल के आप बना सकती हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक पैर का मैंने पूरा बना लिया है, ये पूरी इसकी लंबाई नीचे और ऊपर ये ब्लू कलर मैंने रखा है, ये देखिए इस तरीके से, और बीच में ये पूरा ऐसे है। तो ये लंबाई यहां से, और यहां से फिर फंदा बढ़ाने के बाद जो हम बोलते हैं आसन, वो चीज है ऐसे। तो इसको चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर बिन लिया है, दो सीधा दो उल्टा का फंदा मैं आपको दिखा देती हूं। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 49, 50 और 52 फंदे, यानी कि 52 फंदे मैंने बॉर्डर के लिए रखे हैं। सेम ये देखिए, 9 नंबर की सिलाई पे, ये 9 नंबर की सिलाई है, इसी से मैंने इसमें बनाया है बॉर्डर और इसी से मैं ऊपर बनाऊंगी। तो मैंने टोटल ये 20 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, ये 20 सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है और अब यहां से हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए, ये मैंने ये बनाया है यहाँ पे, देखिए, और ये देख लीजिए, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये देखिए टोटल ये 20 सिलाइयों का, 19 सिलाइयों का एक्चुअली ये बॉर्डर है। 20वीं सिलाई मैंने उल्टे तरफ से पूरा उल्टा उल्टा बीना है डार्क कलर से, और फिर 21वीं सिलाई में मैंने यहां से ये कलर लगा दिया है। तो उल्टे ही साइड से हम इसमें फंदे भी बढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें मैंने टोटल 52 फंदे रखे हैं, दो सीधा दो उल्टा का ये बॉर्डर बीना है, तो यहाँ दो सीधा से स्टार्ट होके दो उल्टा पे फिनिश हुआ है ये बॉर्डर। 19 सिलाई का बॉर्डर है, मतलब 20 सिलाई टोटल है लेकिन 19 सिलाई का बॉर्डर है। 20वीं सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट किया है। तो अब देखिए, ये मेरा 19 सिलाई कंप्लीट है। रॉन्ग साइड से अब मैं इसमें फंदे बढ़ाऊंगी। तो फंदे बढ़ाने के लिए देखिए, यहां से हम पहला फंदा उतार के ऊन इधर कर लेंगे और उल्टा उल्टा हमको बिनना है। तो यहाँ पे एक फंदा ऐसे बिन लिया और फिर इसको हम इस तरह से पलट के दूसरा फंदा इसमें बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा पहली बार आपको दिक्कत होगी क्योंकि ये सीधा फंदा उधर से था, तो ये ऐसे एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब देखिए, एक दो
और ये तीसरे फंदे में ये देखिए मैंने इसमें बढ़ाया है उल्टे साइड से, तो ये देखिए फंदा बढ़ाया, एक दो बढ़ाने के बाद तीसरे फंदे में मैंने फिर फंदा बढ़ाया है, फिर एक दो तीसरे फंदे में, नीचे ही एक संग सारे फंदे मैंने बढ़ा दिए हैं। तो अब देखिए यहां मैंने पहला फंदा उतार के दूसरे में फंदा बढ़ाया, दो फंदा बिन लिया, अब तीसरे फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे। तो यहां पे देखिए ये मेरा दूसरा फंदा, दो फंदा उल्टा बिन लिया, तो ये तीसरा फंदा। मैं इस तरह से बढ़ाती हूं, आप जिस तरह से भी फंदे बढ़ाना आपको इजी लगता हो उस तरह से आप फंदे बढ़ा सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए एक दो तीन फंदे मैंने बढ़ा लिए, ये चौथा फंदा, पांचवा फंदा, छह, सात, देखिए दो फंदा मैं ऐसे बिन ले रही हूं, फिर तीसरे फंदे में फंदा बढ़ा रही हूं, तो ये हो गया आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह और ये सत्रह, सत्रह फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ाए हैं, और ये लास्ट में दो फंदा हमारा ऐसे ही जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला फंदा है यहाँ पे अब मैं कलर लगा दूंगी, ये जो मेरा ऑरेंज कलर है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ी दूर से ऐसे कट कर लूंगी इसको, और यहां मैं अपना दूसरा कलर ऐड कर दूंगी। तो यहीं से अब क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉर्डर के बाद इस कलर का काम नहीं है, तो इसको हम अब नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे से नॉट लगा दूंगी। इसको इस तरह से करके एकदम पास में आप कर दीजिए ऐसे, और लास्ट वाला फंदा हम इससे से ऐसे बीन देंगे, ये देखिए ऐसे। और अब यहां से हम प्लेन बीनेंगे, तो ये देखिए यहां मैंने नॉट लगा के यहाँ पे ये, और यहां से अब हमको प्लेन बीनना है, हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। और अब टोटल जो हमारे फंदे हैं देखिए मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ, पहला फंदा ये हम उतार लेंगे, इसीलिए मैं लास्ट में इसको जोड़ती हूँ ताकि हमारा यहाँ पे कलर अलग ना रहे। तो ये देखिए पहले फंदे से हमारा ये कलर हमको मिल गया, अब एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. टोटल 79 फंदे मेरी सिलाई पे हैं। तो अब इसको सीधा उल्टा बिनते हुए, अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा उल्टा बिनते हुए हमको ये देखिए यहां से ये और ये पूरा मैंने यहां तक बिना है, ये बढ़ाया गया है यहाँ पे आसन ये, तो यहां तक मैंने टोटल इसमें 60 सिलाई बीनी है सीधी से उल्टी, कुछ नहीं करना है, कोई फंदा कहीं नहीं बढ़ाना है। ये आसन बनाने के लिए ये जो हम थोड़ा सा यहाँ पे कर्व बढ़ाते हैं, तो यहां बढ़ाने के पहले तक मैंने यहां से लेके यहां तक टोटल 60 सिलाई, और इंची टेप से अगर मैं आपको दिखा दूं तो देखिए ये यहां से ये देखिए ये 8 इंच है, टोटल 8 इंच मैंने बिना है, बिनने के बाद फिर मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं। तो इतना मैं कर लेती हूँ, करने के बाद फिर ये चीज कैसे बनेगा, ऊपर क्या बनेगा और ये कैसे बनेगा, ये सब मैं आपको इतना बिनने के बाद, इसकी लंबाई कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए बॉर्डर भी बना है, डोरी डालने के लिए ये होल भी बना है, तो ये सब इतनी लंबाई कवर करने के बाद, यहाँ पे फंदे बढ़े भी हैं तो ये सब हम कवर करेंगे बढ़ाने के बाद, ये इतना बिनने के बाद। तो ये मैं इतना लंबाई करने के बाद फिर आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा पूरा यहां से यहां तक ये 60 सिलाई मैंने बना लिया है, बॉर्डर, ये बॉर्डर के बाद ये मैंने टोटल 60 सिलाई बना लिया है। यहां मैंने देखिए ये इस तरह से मैं पिन लगा लेती हूँ, और ये इस तरह से 10-10 का जब केबल हो जाता है तो ये मेरा, मैं इंची टेप से नहीं नापती, मैंने कई बार बताया है, तो मैं देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से करते हुए देखिए यहाँ पे ये हो गया 20 और फिर ये हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस 30 केबल का मतलब है कि हमारा ये डबल आप कर लीजिए 60 सिलाई हमारा ये कम्प्लीट हो गया है। तो अब इसके आगे हम इसका आसन बनाएंगे, ये जो आसन हम बोलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो हम शेप देते हैं वो ये शेप का ये इतना सा। तो यहाँ पे मैंने देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बढ़ाए हैं, और ये फंदे मैंने कैसे बढ़ाए हैं देखिए, ये पहला फंदा उतार लिया, पहला फंदा हम उतारते हैं, फिर ये उनको यहाँ पे ऐसे देखिए इस तरह से ट्विस्ट कर दीजिए और इसको इसमें डाल के इस तरह से ये फंदा बढ़ गया, पूरी सिलाई बिन लेंगे लास्ट फंदे तक, और लास्ट में भी फिर इसी तरह से हम कर देंगे। तो ये देखिए इसको पहले मैं पूरा बिन लेती हूँ फिर आपको दिखा देती हूँ कि लास्ट में मैं कैसे बढ़ाती हूँ। इसी तरीके से हम 5 फंदे बढ़ाएंगे, मैंने इसमें 2 फंदे और बढ़ा के टोटल यहाँ पे 81 फंदे कर लिए हैं, यहाँ 81 फंदे हमारे हैं। और इसके बाद हम ऊपर बनाएंगे, सॉरी 71 फंदे मैंने कर लिए हैं, यहाँ पे 69 फंदे थे, 2 फंदे मैंने और बढ़ा लिए हैं, तो टोटल यहाँ पे 79 फंदे हमारे यहाँ इस सिलाई पे हैं। तो अब इसको और यहाँ तक 60 सिलाई बनाने के बाद अब ये मैं फंदा बढ़ा रही हूँ, फंदा हम बढ़ाएंगे दोनों तरफ से 5-5, तो टोटल फंदे हमारे हो जाएंगे 81। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हम बिन लेते हैं पहले, अब ये देखिए इस तरीके से हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट में। तो ये अब ये लास्ट वाला फंदा बचा है, तो फिर से देखिए इसको बहुत आराम से ये देखिए ऐसे करिए ये इसको, या आप ऐसे करके इस तरह से घुमा दीजिए, ये जो लूप आ रहा है देखिए इसको बस हम ऐसे इसमें डाल के और ऐसे खींच देंगे, तो ये हमारा एक फंदा बन गया। अब इसको बिन दीजिए, तो ये पहले फंदे के देखिए किनारे किनारे दोनों तरफ हमारे फंदे बढ़ गए, तो दोनों किनारे से एक एक फंदा हमने बढ़ा लिया है, तो 2 फंदा बढ़ गया,
इसी तरह से दोनों किनारों से हम पांच पांच फंदे बढ़ाएंगे तो टोटल 10 फंदे हमारे पांच इधर और पांच इधर बढ़ जाएंगे और ये हमारे टोटल 81 फंदे हो जाएंगे। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, पूरी उल्टी सिलाई हम ऐसे ही बिन लेंगे। इसको हम पूरा, ये देखिए ये फंदा जो बढ़ा है इसको बस ऐसे लेके बिन लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक फंदा हो जाएगा, थोड़ा सा ये देखिए ये ऊन जो थोड़ा उलझ जाता है तो इसको बस ऐसे हम बिन लेंगे और पूरी उल्टी सिलाई हम इसको बिन ले जाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये वाला भी पूरा हो जाएगा ये सिलाई। अब सीधी तरफ से फिर से वही करेंगे। देखिए पहला फंदा उतार के इस फंदे को ऐसे हम ट्विस्ट करके यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से और इसको खींच देंगे। ये हो गया, ये फंदा पहले का बढ़ा था, ये दूसरा फंदा बढ़ गया। इसी तरीके से लास्ट में भी कर लेंगे और टोटल पांच फंदे हम बढ़ा लेंगे। ये देखिए ये हो गया दूसरा और इसी तरह से हम पांच फंदे कर लेंगे दोनों तरफ, टोटल 81 फंदे कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में भी देखिए ये फंदा जो हमने पिछली बार बढ़ाया था इसको भी बिन लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे फंदा बढ़ा देंगे। ये देखिए फिर लास्ट वाला फंदा बिन लेंगे। हो गए दो दो फंदे दोनों तरफ और इसी तरीके से हमको टोटल पांच पांच फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरी पांचवी लाइन कंप्लीट हो गई है, पांच फंदे मेरे बढ़ चुके हैं यानी कि दसवीं सलाई। अब ये लास्ट वाला जो फंदा है यहाँ पे मैं एक आप कोई भी मार्कर लगा लीजिए या मैं इसी को, ये देखिए ये जो मेरे नीचे के फंदे डाले हुए रहते हैं उसी उनको ऐसे मैंने बस सिर्फ इसमें ऐसे रख दिया है, ये ऐसे बिन दिया और लास्ट में यहाँ पे देखिए ऐसे इसको नॉट लगा देती हूँ। तो ये इतना मेरा नीचे का पैर का हिस्सा है, ये आपको इस तरह से याद रहेगा। आप कोई भी मार्कर लगा सकती हैं, पिन लगा सकती हैं, तो मैंने बस एक नॉट लगा दिया ताकि आसानी से खुल जाए। तो ये देखिए ये हमारा नीचे के पैर का हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर का बनाएंगे यहां से। तो ये देखिए ये मैंने इसमें भी लगा रखा है, यहां से सिलाई करने में भी आपको इजी रहेगी। यहां से यहां तक हमारा पैर का हिस्सा है, ये हमारा ऊपर का आसन जिसको हम बोलते हैं अपर वो पजामे के ऊपर का जो पोर्शन आता है वो हम इसको बोल सकते हैं, आप जो भी कहिए, मैं इसको आसन बोलती हूँ तो मैं आसन बता रही हूँ। तो ये इतना अभी हम बिनने के बाद फिर ऊपर ये दूसरा कलर लगा के इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए भी देखिए मैंने ये टोटल यहाँ पे ये मेरे टोटल 26 केबल है यानी कि 52 रो मैंने इसको बनाया है। ये देखिए यहां से यहां तक टोटल 52 यानी कि 52 सलाई मैंने इसको बनाया है। तो ये इतना बिनने के बाद फिर हम ये कलर लगाएंगे। तो पहले फिर इतनी लंबाई में कंप्लीट कर लेती हूँ। टोटल 81 फंदे मेरे इस पे हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया पहली बार जब हमने इसमें फंदे बढ़ाए थे तो टोटल फंदे मेरे 69 थे, फिर मैंने दोनों किनारों से एक एक फंदे बढ़ा लिए तो टोटल 81 फंदे हैं। इसमें भी मेरे सेम फंदे हैं, ऊपर 81 है नीचे 71 है। और इसके बाद फिर ऊपर का ये पोर्शन बिल्कुल प्लेन बिनना है, कुछ नहीं करना है, किनारों के एक एक फंदे आप उतारते जाइए, सीधा उल्टा बिनते हुए टोटल 52 रो यानी कि 52 सलाई हम इसको बना लेंगे। बनाने के बाद फिर हम के कलर लगाएंगे। तो पहले ये लंबाई मैं पूरी कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने पांच फंदे बढ़ाए हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इसकी लंबाई कंप्लीट करने के बाद फिर आगे की बिनाई करेंगे। ये देखिए ये इसकी लंबाई यहां तक हो गई है, ये यहां तक। अब इसको लगाना है ये वाला कलर। तो यहाँ पे देखिए ये सीधी सिलाई मैंने कर ली है, उल्टी सिलाई से मैं ये डार्क वाला कलर लगा दूंगी। तो यहाँ पे मेरे टोटल ये देखिए 52 रो कंप्लीट हो जाएंगे। यहां से यहां तक ये देखिए ये हमारे टोटल 20 केबल हो चुके हैं यानी कि 40 सलाई। और 1, 2, 3, 4, 5 ये उल्टी सलाई मैं बिन दूंगी तो टोटल हमारा ये 6 हो जाएगा यानी कि टोटल 52 सलाई, 52 रो, 52 सलाई मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहां से मैं लगा दूंगी डार्क कलर क्योंकि उसके ऊपर फिर ये हमारा बॉर्डर बना है और जब हम बॉर्डर यहां से बिनना शुरू करेंगे दूसरे कलर से तो ये उल्टा उल्टा यहां पे दूसरे कलर का आ जाएगा। तो एक लास्ट वाली सलाई उल्टी उल्टी मैं नीले रंग से बना लूंगी, मेरा नेवी ब्लू कलर है।
तो इससे मैं बना लूंगी, इसके बाद फिर ऊपर हम बॉर्डर भी लेंगे। तो यहाँ अब ये वाला ऊन मैं कर दूंगी कट, इसको थोड़ा बड़ा सा ऐसे लेके ऐसे कट कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ इस ऊन का काम नहीं है। ये मेरा ऑरेंज कलर, येलो कलर, जो भी आप बोलिए, ये हल्दी वाला जो पीला रंग होता है वो वाला कलर है। और ये देखिए, यहाँ से अब मैं इसमें ये नॉट लगा दूंगी। और यहाँ पे अब एक काम मैं और करूंगी कि ये जो मेरे टोटल 81 फंदे हैं इनको मैं घटाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ से लास्ट वाला फंदा, इसको मैं बिन दूंगी अभी, इसको यहाँ मैंने अभी लास्ट वाले फंदे को नहीं बिना है, तो लास्ट वाला फंदा मैं बिन दूंगी डार्क वाले कलर से। इसको मैं पहले खोल लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर पहला फंदा बीनेंगे तो यहाँ पे ये केबल नहीं आएगा। तो ये जो मैं बिनती हूँ, तो अब देखिए ये लास्ट वाले फंदे को मैं बिन दूंगी डार्क कलर से। और यहाँ पे इसको नॉट लगा दूंगी, तो इसको थोड़ा सा टाइट करके हम नॉट लगा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे उसको ये टाइट कर देंगे यहाँ तक, ऐसे ये हो गया। थोड़ा बड़ा ही रखा गया है क्योंकि ये खुल ना जाए। और यहाँ पे ये लास्ट वाले फंदे को हम इस तरह से कर देंगे। अब देखिए टोटल जो 81 फंदे हैं, तो इसमें से मैं 11 फंदे घटा के इसको टोटल 70 फंदे, एक मिनट। तो अब देखिए ये टोटल जो 81 फंदे हैं, इसमें से मैं 13 फंदे घटा के टोटल 68 फंदे यहाँ पे कर दूंगी। तो अब इसको देखिए, इसी सिलाई में हम फंदे भी घटा लेंगे। तो ये पहला फंदा उतार के यहाँ पे ये दो फंदे एक साथ बिन देंगे। अब देखिए बीच बीच में आप घटाते जाइए, एक फंदा घट चुका है, तो ये दो तीन चार के बाद फिर एक घटा देती हूं मैं। अब देखिए यहां से ऐसे ही आप चार फंदे पांच फंदे के बाद घटाते जाइए, टोटल 13 फंदे हमको घटाने, दो फंदे हमने घटा लिए, एक दो तीन चार पांच, ये तीसरा फंदा, ये दो का एक देखिए यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ, ये तीन फंदे घट गए। इसी तरह से घटाते हुए अब ये देखिए इस तरह से करते हुए टोटल 13 फंदे घटा के यहाँ पे हम 68 फंदे यानी कि 68 फंदे कर लेंगे। ये देखिए यहाँ लास्ट में इस तरह से टोटल 13 फंदे मैंने घटा लिए हैं और इस पे टोटल 68 फंदे मैंने कर लिए हैं। देखिए कहीं पांच फंदे के बाद, कहीं चार फंदे के बाद, इस तरह से घटा के आप कर लीजिए। और अगर आपके पूरे फंदे नहीं घटते हैं, तो जब आप बॉर्डर बिनेंगे अगली सिलाई में, तो बीच बीच में कहीं आप एक्स्ट्रा जो फंदे हैं उसको घटा दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 47, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65,
तो अब हम इसका बॉर्डर बीनेंगे। तो ये देखिए पहला फंदा उतार के यहाँ पे जैसे हमने बीना नीचे दो सीधा दो उल्टा, तो इसी तरह से दो सीधा दो उल्टा, दो सीधा और दो उल्टा। तो टोटल ये इस तरह से हम बॉर्डर बीन लेंगे, लास्ट में मेरा दो उल्टा आएगा। ये देखिए इस तरीके से, तो ये दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर हम बीनेंगे। देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे बटन होल बनाना है, तो ये हम बीनेंगे टोटल 10 सिलाई। यहाँ पे 10 सिलाई बनाने के बाद हम ये बटन होल बनाएंगे, तो ये 10 सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बटन होल बना के दिखाती हूँ, और इसके बाद फिर ये ऊपर का पोर्शन। तो ये देखिए इस तरीके से हम ये फंदे घटा चुके हैं, अब हम यहाँ बॉर्डर बनाएंगे। टोटल 10 सिलाई बनाने के बाद हमारा इसमें बटन होल बनेगा। ये देखिए ये हमारी 10 सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ये बॉर्डर मैंने 10 सिलाई बना लिया है। अब हम इसमें इस तरह से होल बनाएंगे।
तो होल बनाने के लिए ये देखिए दो फंदा सीधा वाला हमने बिना ऊन को आगे करके इस तरह से सिलाई पे लपेट लेंगे। देखिए उल्टा बिनने के लिए पहले आगे किया फिर इस तरह से सिलाई पे लपेट लेंगे और ये दो का एक बिन देंगे जो दोनों उल्टा है। ऊन पीछे करेंगे जो दो सीधा है उसको हम दो सीधा बिनेंगे, ऊन आगे करके फिर ये दो ये सिलाई पे ऐसे लपेट लीजिए ऊन को और ये दो का एक, ऊन पीछे दो सीधा, ऊन आगे ये सिलाई पे लपेट के दो का एक। इसी तरह से पूरा हम कर लेंगे, जितना भी उल्टा हमने बिना है सब में हम इसी तरह से होल बना लेंगे जिसमें आप डोरी डालिए इलास्टिक डालिए या आप इसको जैसे भी करना चाहें। ये देखिए इस तरह से बटन होल, क्योंकि ये बॉर्डर इतना टाइट नहीं रहेगा कि आप इसको इसी तरह से रहने दीजिए। छोटे बच्चे जब ये इसको पहनेंगे तो ये लूज हो सकता है फंदा, हालांकि हमने कम कर दिया है लेकिन फिर भी ये लूज रहता है बॉर्डर, ये इतना टाइट बॉर्डर नहीं रहता है कि आप इसको ऐसे छोड़ दें तो ये कमर पे फिट रहे। तो इसके लिए हमको डोरी चाहिए होगी और फंदा देखिए मैंने कम किया है तो ये एक साइड का है तो भी ये इतना फिट नहीं रहेगा कि कमर पे टिका रह सके। तो यहाँ पे आप हल्की सी एक डोरी डाल के थोड़ा सा टाइट कर देंगी तो ये अच्छे से फिट हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए इसको टोटल हम ऐसे बटन होल की तरह बना लेंगे जो होल बनता है ऐसे, और बॉर्डर भी साथ के साथ बिनते जाएंगे। जो देखिए सीधा है उसको मैं बॉर्डर बिन रही हूँ, जो उल्टा है उसको इस तरह से लपेट के ये जो दो उल्टा है इसको मैं दो का एक कर दे रही हूँ। तो ये इस तरह से हम पहले बना लेते हैं पूरा। ये देखिए अब ये लास्ट सीधा और लास्ट वाला जो उल्टा है इसको हम इसी तरह से उल्टा बिन देंगे। तो 10 सिलाई के बाद देखिए ये हमारी 11वीं सिलाई है, टोटल इसको लेके 8 सिलाई हम और बिनेंगे, यानी कि ये यहां से लेके ऊपर तक टोटल ये जो है हमारा ये 18 सिलाई का बॉर्डर है। 18 सिलाई का बॉर्डर बनाने के बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो ये इसी तरीके से देखिए ये पहली सिलाई हो गई है, 7 सिलाई और बिनेंगे, 7 सिलाई बिनने के बाद हम इसको बंद कर देंगे फिर इसकी सिलाई करेंगे। तो इसको पहले बिन के फिर हम बंद करते हैं नॉर्मल। यहां से देखिए यहां से वही अब बॉर्डर हमारा कंटिन्यू रहेगा, ये दो सीधा रॉन्ग साइड से दो उल्टा और ये देखिए ये जो हमने जाली बनाई थी ये ऐसे ये और ये जाली जो हमने लपेटा था इसको हम सीधा बिनेंगे रॉन्ग साइड से, और जो हमने सीधी तरफ से सीधा बिना था वो उल्टे तरफ से हमारा उल्टा हो गया। ये देखिए इस तरह से ये हमारी 12वीं सिलाई है, टोटल 18 सिलाई का बॉर्डर हमारा बनेगा। तो ये 12 सिलाई बिनने के बाद हम ये देखिए 6 सिलाई और बिनेंगे, इसके बाद हमारा ये कम्प्लीट हो जाएगा बॉर्डर। ये देखिए इस तरह से ये हो गया, यहां से ये होल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ये 18 सिलाई है यहां तक बॉर्डर। उल्टे तरफ से मैंने ये ऊन लगा दिया था डार्क वाला और अब हमारा ये ऊपर का बॉर्डर का ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। तो अब चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। तो बंद आप नॉर्मली कैसे भी कर सकती हैं। ये देखिए दो सीधा फंदा जो था मैंने इसको ऐसे उतारा, ऊन आगे करके ये जो उल्टा है इसको मैं इस तरह से उल्टा बिंदूंगी दो का एक। ये देखिए उल्टा जो है दोनों दो का एक, और सीधे वाले फंदे को इस तरह से सीधा बिन के और ये ऐसे उतार दूंगी। आपको जैसे ही जी पड़े आप इसको बंद कर दीजिए, ऊपर का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको किस तरह से बंद करती हैं, क्योंकि ये पैंट का पोर्शन है और ये अंदर ही रहेगा कमर के पास तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे भी आपको इजी लगे आप इसको बंद कर दीजिए, बहुत टाइट मत बंद करिएगा और बहुत लूज भी मत रखिएगा। नॉर्मली जैसे हम फंदे बंद करते हैं इसी तरीके से इसको हम बंद कर देंगे। तो ये इस तरह से मैं इसको पहले बंद कर देती हूँ पूरा, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे।
ये देखिए इस तरीके से ये हमारा पूरा हो गया। अब इसमें से हम थोड़ा सा सिलाई करने इतना ऊन इसमें से कट कर लेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखिए, बच जाए कम ना हो, नहीं तो फिर नॉट लगाना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह से निकाल देंगे और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए देखिए सबसे पहले ये जो डार्क कलर है इससे हम इसका ऊपर का जो बेल्ट वाला पोर्शन है उसको सिल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने धागा डाल लिया। अब इसकी जो हम सिलाई करेंगे देखिए ये हमारा ऊपर का पोर्शन है ये सीधा पार्ट और ये जो है इसका ये सीधा पार्ट, इसको अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे। ये देखिए एक का धागा इस तरफ है, एक का धागा इस तरफ है। तो पहले हम ये इतना ब्लू वाला पोर्शन सिल लेते हैं। ये हम पहले सिलेंगे यहां से यहां तक और फिर सिलेंगे। देखिए ये हम ये देखिए ये जो हमने नॉट लगाया है फंदा बढ़ाने के बाद, एक साइड नहीं लगाया, एक साइड लगाया है। तो ये देखिए यहां हमने लास्ट फंदा बढ़ाया है ये, और इधर से ये यहां से यहां तक की हम सिलाई करेंगे। तो जितना मेरा ब्लू ऊन कलर है पार्ट है उसको मैं ब्लू से सिलूंगी और बाकी को मैं ये येलो से सिल दूंगी। तो यहां से यहां तक हम दोनों तरफ सिल देंगे पहले और इसके बाद फिर पैर का गोलाई सिलेंगे। तो इसको हम नॉर्मली सिलेंगे जैसे भी आप सिलाई करती हो। तो ये देखिए जो मैंने फंदे उतार रखे मैं वहीं से इसको ऐसे करके ये सिल दूंगी दोनों साइड से, ये ऐसे यहां से यहां तक। ये जो पहला फंदा हमने उतारा है यहीं से इस साइड का और इस साइड का, इन दोनों को फंसाते हुए हम इसको सिल लेंगे। सबसे पहले ये देखिए ऐसे, और इसके बाद फिर आगे हम येलो ऊन लगा लेंगे और उससे सिलेंगे आसन वाला पोर्शन। तो दोनों साइड का इसी तरीके से हम करेंगे। ये देखिए जो हमने फंदा उतारा हुआ है ये पहला और इधर का, इसी को ऐसे सिलते हुए ये ब्लू वाला पोर्शन इस तरह से, ये यहां पे सिल लिया। यहां पे इसको डबल कर दीजिए सिलाई को ऐसे, और फिर इसमें फंसा के नॉट लगा के इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए अब हम इसमें येलो ऊन लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ का भी कर लेंगे। तो ये ऊन मेरा यहाँ पे है, मैं इसी को ले लूंगी। इसमें देखिए मेरे आप स्वेटर में देखिए तो मोस्टली कहीं भी नॉट नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि मेरा जब ऊन खत्म होना रहता है तो यहाँ पे देखिए मैंने ये किनारे पे रख छोड़ा है, यहां से मैंने दूसरा ऊन लगा लिया है और उससे मैंने सिलाई की है। मेरे इस कहीं भी पोर्शन में देखिए आपको नॉट नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं बीच में कोशिश करती हूँ कि नॉट न लगाना पड़े, जिससे कि आपका जो भी स्वेटर है या जो भी प्रोजेक्ट आप बना रही हैं वो अच्छे से बन जाए और कहीं आपका बीच में नॉट ना दिखे। तो अब बाकी का पोर्शन मैं देखिए इससे सिल लूंगी। तो सबसे पहले ये आप कोशिश करिए यहां से सिलिए, आप चाहें तो यहां से सिलिए जहां से आपको इजी पड़े। तो मैं ऊपर से ही स्टार्ट करूंगी। देखिए यहाँ पे ये जो पहला ये वाला है लास्ट का, ये केबल जो हमने उतार रखा है यहाँ पे ऐसे करके आप नॉट लगा लीजिए इस तरह से ऐसे डबल नॉट लगा दीजिए ताकि ये नॉट जो है वो एकदम फिक्स हो जाए, और फिर हम इसको भी ऐसे दोनों तरफ का ये नॉट पकड़ते हुए सिलते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से सिलते चले जाएंगे। जहां तक इसका ये आसन वाला पोर्शन है ये देखिए यहां तक ये लास्ट। इधर का अगर आपको समझ में ना आए तो आप देखिए जो हमने फंदे बढ़ाए हैं, आप चाहे तो इस साइड भी लगा सकती हैं एक निशान के लिए। देखिए एक दो तीन चार पांच, ये हो गया सीधी सिलाई में हमने बढ़ाया, उल्टे पे आके यहाँ हमारा कवर हुआ। और ये देखिए
यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हम ये इस तरीके से डबल नॉट लगा देंगे, डबल इसको यहाँ पे सिलाई करके नॉट लगा दीजिए और अब इसको हम कट कर देंगे। तो ये थोड़ा बड़ा ही कट करिए जिससे कि ये खुलने का डर ना रहे। और अब इसको हम खोल देंगे दोनों तरफ से, ये देखिए दोनों तरफ मैंने सिल लिया है, इसको हम खोल देंगे ये। तो अब यहां से देखिए ये सिल दिया हमने, तो अब हम इसको इस तरह से कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ये कमर का पोर्शन, ये देखिए बहुत लूज भी नहीं है लेकिन ये कमर का पोर्शन है इसलिए यहाँ पे आप डोरी या इलास्टिक डाल देंगी तो अच्छा रहेगा। और अब हम देखिए इसको सिलेंगे ये दोनों पैर का पोर्शन इस तरह से, ये हो गया। अब ये इन दोनों को सिल देंगे डार्क वाले से, फिर यहां से लेके यहां तक हम टोटल इसको सिलाई कर लेंगे तो ये हमारा पैर का पोर्शन रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से सिलने के बाद ये टोटल तैयार हो गया है ऐसे, और ये काफी, ये देखिए इसमें ये चौड़ाई भी है जो एक संग मैंने फंदा बढ़ाया। आपको अगर इतना चौड़ा नहीं चाहिए तो आप इसमें कम फंदे भी रख सकती हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकती हैं। मैंने यहाँ इकट्ठा बढ़ाने के बाद बीच में कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, बस यहाँ लास्ट में बढ़ाया। तो देखिये ये इस तरीके से थोड़ा सा आया है ये, और यहाँ पे ये मैंने क्रोशिया से बिन के डोरी लगा दी है। यहाँ मैंने अभी कुछ नहीं डाला है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई मोती या कुछ भी बना सकती हैं या क्रोशिया से ही इसमें आप कंगूरा बना दीजिए तो हो जाएगा। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और ये डोरी बहुत जरूरी नहीं है लेकिन डोरी कभी कभी यह है कि बच्चों को अगर लूज लगता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे बांध देंगी तो ये कमर पे टिका रहेगा। और ये इस तरह से मेरा पजामा तैयार है। तो ये देखिए इसकी अगर मैं लंबाई दिखा दूं तो देखिए यहां से ये पूरा देखिए 20 इंच लंबा ये है, ये देखिए 20 इंच लंबा ये है पजामा। तो स्वेटर के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पजामा भी आपको जरूर पसंद आएगा, दोनों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नए डिजाइन के संग, तब तक के लिए बाय।